कमर में आठ दस महीने से पेन हो रहा था, हर जगह मेरे को दिखा लिया था। फिर किसी ने बताया पहलवान के पास चला जाओ, तो ऊपर वो खड़ा हो गया, पैर से झटका मारा, हाथ और पैर खींचा, उसके बाद पेन और बढ़ गया। हाँ जी, देसी पहलवान, देसी पहलवान जो इलाज करवाते पट्टी वगैरह, तो उन्होंने सिस्टम ज़्यादा ख़राब कर दिया। यूट्यूब के ज़रिए आपका पता लगा, फिर आपके पास आया। पहले मान लो 10 नंबर दर्द था, आज वो दर्द घट के कितना रह गया है? 1% रह गया, 99% तो हो गया। मैं और भी व्यूअर्स को सलाह देना चाहूँगा कि किसी वैद्य हाकिम के चक्कर में ना पड़े, डॉक्टर साहब को दिखाए, क्यों मैं भी 1 साल परेशान रहा, तो इतना पहले मिल लेता सर तो इतनी दिक्कत नहीं आती मेरे को। कहाँ से आए हैं आप राजेश जी, क्या दिक्कत है आपको? बैक पेन है सर, मैं बोड़ा खुर्द से आया हूँ, कमर में आठ दस महीने से पेन हो रहा था, हर जगह मेरे को दिखा लिया था। यूट्यूब के ज़रिए आपका पता लगा, फिर आपके पास आया। कोई टांग में दर्द जाता है अभी? अभी नहीं जा रहा था, पहले जा रहा था, खिंचाव से महसूस होता था, दर्द हो रहा था। किस तरीके से हुआ था ये? झटका लगा सर, फिर किसी ने बताया पहलवान के पास चला जाओ, तो ऊपर वो खड़ा हो गया, पैर से झटका मारा, हाथ और पैर खींचा, उसके बाद पेन और बढ़ गया। हाँ जी, देसी पहलवान, देसी पहलवान जो इलाज करवाते पट्टी वगैरह, तो उन्होंने सिस्टम ज़्यादा ख़राब कर दिया। ठीक है, पहले मान लो 10 नंबर दर्द था, आज वो दर्द घट के कितना रह गया है? 1% रह गया, 99% तो हो गया। पहले मैं जैसे कंटिन्यू 10 या 15 मिनट भी सर ऐसे बैठा नहीं था, अब 5-6 घंटे 7 घंटे तक मैं ड्राइव कर सकता हूँ या चेयर पर बैठ सकता हूँ। पहले आधे घंटे में इतना पेन होता था जैसे कमर फटने वाली है, बैठा नहीं रह जाता। कंफर्टेबल बैठ लेते? हाँ जी। तो ठीक है मसल ना आपकी, अब अब ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, मसल सॉफ्ट हो गई हैं, पहले बड़ी ज़्यादा टाइट थी, ये गड्ढा भी सही हो गया आपका। ढीला ढीला छोड़ दे बस आप, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, सांस लें, छोड़ दें। सांस लीजिए, छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़, फिर से लें अंदर, छोड़ दें, फिर से लें अंदर, छोड़ दें। वेरी गुड, फिर से लें, छोड़ दें, फिर से लें, छोड़ दें, फिर से लें, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। वेरी गुड, सांस लेंगे, छोड़ दीजिए, टीला छोड़ें, फिर से सांस लें, छोड़ दीजिए, टीला छोड़ो, टीला छोड़ दीजिए, सांस लेंगे, छोड़िए,
सांस लीजिए, छोड़ दें। अब आपकी सारी ट्रांसवर्स प्रोसेस सारी बराबर है, मतलब हड्डी सारी एक लाइन में आ गई है, अब टेढ़ी नहीं है हड्डी, अब सारी, हाँ टेढ़ापन था ना अंदर की तरफ, गड्ढा बन गया था, अब नहीं है, अब सारी की सारी लाइन में है, एक लाइन में है, सीध में आ गई है, सीधा लेट जाइए। थोड़े ढीला, बिल्कुल टिका दीजिए, नीचे टिका दें, बिल्कुल ढीला, बस ढीला छोड़िए, इसको भी छोड़ देंगे बिल्कुल, ढीला छोड़ दें बिल्कुल। यहाँ से खींचा ना, हाँ वो लेग जो इम्बैलेंस हो गया था उसको हमने पुल किया है, तो बैलेंस करने के लिए, छोटा बड़ा हो गया था, बराबर हो जाएगा, ठीक है जी, मेरी तरफ घूम जाइए, ऐसे करो जी, सांस लो जी, छोड़ दो, पाँव ढीले छोड़ दें, पाँव ढीले छोड़ दें बिल्कुल, सांस लें, छोड़ दें, सांस लें, छोड़ दें, सब करने के बाद में कितना परसेंट ठीक लगता है, क्या कुछ रहता है जिसको ठीक करा जा सकता है, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? अब तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, कितना परसेंट ठीक हो गया है? अब तक सारा ही ठीक हो गया सर, 100% ठीक है। हाँ जी, कोई झुकने उठने बैठने में कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है जी, एक्सरसाइज जो बताई गई उनको फॉलो करते रहिए, थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा बैठना नहीं है, थोड़ा ख्याल रखिए, ठीक है, सामान वगैरह उठाने से थोड़े दिन बची, महीना दो महीना, जब तक कमर आपकी मजबूत नहीं हो जाती, ठीक है जी। ठीक है, आपके यहाँ आके बहुत अच्छा लगा सर, मैं और भी व्यूअर्स को सलाह देना चाहूँगा कि किसी वैद्य हाकिम के चक्कर में ना पड़े, डॉक्टर साहब को दिखाए, क्यों मैं भी एक साल परेशान रहा, तो इतना पहले मिल लेता सर तो इतनी दिक्कत नहीं आती मेरे को। थैंक यू सर।